हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो। कैसे हैं आप सभी लोग? यहाँ पर एक अपडेट है, ठीक है। तो देखिए, कुछ लोग के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है और कुछ लोग के लिए ख़राब खबर भी हो सकती है, ठीक है। देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पर इंतज़ार में थे कि आपका जैसे कि एग्ज़ाम, यहाँ पर एडमिट कार्ड जो आया था वो ज़िले वाइज होना था, ठीक है। यानी कि आपका जो वैसे आपका जो विज्ञापन आया था तो वैसे आपका मंडल वाइज होना था, फिर एडमिट कार्ड में आपका ज़िले वाइज एग्ज़ाम होना था, ठीक है। काफ़ी लोग चाहते थे कि ये एग्ज़ाम मंडल वाइज होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर नकल होने की संभावना, यानी कि यहाँ पर भर्ती में क्या कहते हैं, नकल होने की संभावना, धांधली होने की संभावना कम हो जाती। काफ़ी लोग चाहते थे कि ये एग्ज़ाम मंडल बेस होना चाहिए, और ये मैं भी चाहती थी कि ये एग्ज़ाम मंडल बेस होना चाहिए, जिसमें एग्ज़ाम में पारदर्शिता बनी रहती। लेकिन यहाँ पर आज जो सुनवाई थी, आपको पता है युवा मंच के ज़रिए जो याचिका डाली गई थी, ठीक है, काफ़ी लोगों ने युवा मंच के ज़रिए याचिका डाली थी, तो उसमें आज सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि आपका एग्ज़ाम मंडल बेस नहीं होगा, आपका एग्जाम जिला वाइज ही होगा, ठीक है। यानी कि जिला वाइज ही आपका एग्जाम होगा, मंडल वाइज आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो आप जो तथ्य रखा गया था, जो चीज़ रखी गई थी कि मंडल वाइज एग्जाम होने में पारदर्शिता हो सकती है जिला वाइज के हिसाब से। लेकिन यहां पर जज ने कहा, ये कौन सी मतलब क्या गारंटी है कि अगर एग्जाम मंडल वाइज हो तो क्या जो है कि धांधली नहीं होगी? तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका एग्जाम जिला वाइज हो तो धांधली होगी और मंडल वाइज हो धांधली नहीं होगी, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जज ने कहा कि ये आपका एग्जाम क्या होगा, जिला वाइज ही होगा, लेकिन इस एग्जाम में पारदर्शिता करी जाएगी। यानी कि यहां पर जितने घंटे आपका एग्जाम होगा, यानी कि 2 घंटे में जो आपका एग्जाम होगा, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी यहाँ पर बात ये है कि पहले के हिसाब से इस बार में पारदर्शिता ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी देर भी एग्ज़ाम होगा तो आपकी रिकॉर्डिंग पूरी होगी, यानी कि रूम की रिकॉर्डिंग पूरी की जाएगी, ऐसी उम्मीद की जाती है, ऐसा मतलब कहा गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखेंगे, यानी कि पूरा लिखित रूप से चीज़ें मिले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। और जो लोग सोच रहे थे कि डेट बढ़ेगी, यानी कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम 7 और 8 अगस्त को होना था, काफ़ी लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि उनकी एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और वो रिविज़न यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग अब तो बिल्कुल भी उम्मीद ना करें। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको पूरे अच्छी तरीके से कहा था, इस उम्मीद में आप लोग बिल्कुल ना बैठें कि आपका जो है एग्ज़ाम बढ़ेगा, आपको टाइम मिलेगा और आप रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इस उम्मीद में आप ना बैठें, मैं फिर से कह रही हूँ, इस उम्मीद में आप लोग बिल्कुल ना बैठें, ठीक है। हाँ, COVID-19 की वजह से कुछ ऐसा हो जाए, डेट पड़ जाए, उसकी बात अलग है, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम 7 और 8 अगस्त को ही होना है। जो टाइम आपको यहाँ पर मिल रखा है, यानी कि अब आपको 7-8 दिन जो भी मिल रखे हैं, तो उस जो है दिन में आप क्या कर सकते हैं, अपना सारा जो जितना भी सिलेबस है 2 दिन में आप अच्छे से रिवीजन कर लें, और उसके बाद जितने दिन भी आपको बचते हैं वो आप सिर्फ उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही सॉल्व करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही सॉल्व करें, उससे क्या होगा, आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं। जिस भी चैनल से आपने TGT की प्रेपरेशन की, जिस भी चैनल से, जिस भी सब्जेक्ट में आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी चैनल के वीडियोज़ को आप फिर से एक बार मतलब रिविज़न करें, स्पीड बढ़ा करके जल्दी जल्दी उसको रिवीजन करें, और जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उनको रिवीजन करें, ठीक है। तो इस टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, और जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी प्रेपरेशन पे करें, और जितने भी आप अदर काम हैं उनको छोड़ करके सिर्फ आप अपना रिवीजन करें, ठीक है। जितने भी आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है, जो आपको टेंशन देते हैं, तो टेंशन वाले लोगों से इस टाइम बिल्कुल आप दूर रखें, ठीक है। टेंशन वाले लोगों से वो तो आपसे दूर नहीं रहेंगे, लेकिन आपको उन लोगों से दूर रहना है, ठीक है। डिमोटिवेट जो भी आपको करते हैं, इस टाइम में आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे आपका क्या होगा, सिरदर्द बढ़ेगा, और अगर सिरदर्द बढ़ गया तो आपको पढ़ाई में तकलीफ़ होगी, पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए, 7-8 अगस्त के हिसाब से करिए। प्रेपरेशन कुछ लोगों की हो सकता है ना हुई, क्योंकि आपकी प्रेपरेशन कभी कम्प्लीट नहीं होती, आपको पता है, जितना भी आप पढ़ लीजिए आपको हमेशा यही लगेगा कि आपकी अभी तैयारी नहीं हुई है, ठीक है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेपरेशन हो गई है, ठीक है। तो इस
वजह से आप सिर्फ रिवीजन करें बिना टेंशन के, नेगेटिव लोगों से दूर रहें और आप सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्लस जितने भी आपने नोट्स तैयार की जो आपने पहले से पढ़ रखा उसी को बार बार रिपीट करें। ओके चलिए, सभी को जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।